उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत सोहरिया के मजरे गणेशपुर में बीती रात अज्ञात कारणों से फूस के मकान में आग लग गई। मवेशियों को बचाने गए गृह स्वामी व चार गौवंशों की भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई। रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर ग्रामवासी 58 वर्षीय इतवारी लाल आर्य पुत्र महावीर प्रसाद आर्य के फूस के मकान में बीती रात अचानक आग लग गई। इतवारी लाल आर्य मढ़े के नीचे बंधे गौवंश खोलने गए थे, इतने में मढ़ा जलकर इनके ऊपर गिर गया, जिससे गृह स्वामी इतवारी लाल आर्य और दो गाय एक बछिया एक बछड़े की जलकर मौत हो गई। किसी प्रकार ग्रामवासियों की कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर मिलने पर नायाब तहसीलदार विनीत कुमार सिंह, रुपईडीहा प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, थाने के SI विजय कुमार गुप्ता व स्थानीय लेखपाल कमलेश कुमार त्रिपाठी आदि लोग मौके पर पहुंचे। घटना की जांच की गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। नायाब तहसीलदार विनीत कुमार सिंह ने बताया कि घटना बहुत दुखद एवं दर्दनाक है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में आख्या भेजी जा रही है। SDM नानपारा ने किसान बीमा योजना का 5 लाख, पशुधन बीमा योजना का 80,000 व 1 माह का राशन देने की घोषणा की है। मृतक इतवारी लाल आर्य के 1 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। मृतक की पत्नी रामकली व पुत्र राम कृपाल आर्य व दोनों पुत्रियों का रो रो कर बुरा हाल है। अखंड भारत न्यूज के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट, बहराइच।